हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर गाइस आपका भी अकाउंट बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक में है, अगर आप उसका आईएफएससी कोड पता करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो गाइस इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको करना क्या है, आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार पर आपको क्लिक करना है। इस पर दबाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है। और उसके बाद आपको टाइप करना है आईएफएससी कोड, उसके बाद आपको स्पेस देना है, उसके बाद आपको अपने ब्रांच का नाम डाल देना है। जो भी बैंक है आपका जिस जगह पे है उस जगह का आपको नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद आपको स्पेस देना है, उसके बाद आपको अपना सिटी डाल देना है, उसके बाद सिटी डालने के बाद आपको अपना स्पेस दे देना है। स्पेस देने के बाद उसके बाद अपना स्टेट डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपना डाला हूँ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक है, आईएफएससी कोड गारापुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइज यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा आईएफएससी कोड है यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आईएफएससी कोड मेरा शो कर रहा है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर में यहाँ पे दिया हुआ है यही मेरा आईएफएससी कोड है। और यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ ब्रांच मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे मेरा ब्रांच यहाँ पे गारापुर है यहाँ पे शो कर रहा है। और यहाँ पे जो मेरा बैंक है यहाँ पे बैंक का नाम शो कर रहा है बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है। उसके बाद गाइस इस तरह से आप भी अपने बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड पता कर सकते हैं। तो गाइस ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करना और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर दोस्तों आपको सुझाव हुआ तो आप एक कमेंट करके जरूर बताना, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।